हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं चिकन मोमोज और मोमोज चटनी। सबसे पहले एक डेगची में 2 छोटे चम्मच तेल गरम कर लेंगे और उसमें ऐड करेंगे बारीक कटी हुई मीडियम साइज ऑनियन। इसे हम फ्राई करेंगे और उसके साथ हम ऐड करेंगे 2 छोटे चम्मच गार्लिक बारीक कटे हुए और 1 चम्मच अदरक बारीक कटा हुआ। इन तीनों को तब तक हम फ्राई करेंगे जब तक ये लाइट ब्राउन ना हो जाए। अब इसमें ऐड करेंगे 250 ग्राम चिकन मिंस, ये मैंने मिक्सी में ही पीस लिया है। और इसके साथ हम इसमें ऐड करेंगे मैगी क्यूब। मैगी क्यूब आप किसी भी जनरल स्टोर या सुपरमार्केट से ख़रीद सकते हो। एक ही मैगी क्यूब ऐड किया है, आप चाहो तो नॉर्मल सॉल्ट ऐड कर सकते हो। इसके साथ हम ऐड कर लेंगे 1/2 कप कैबेज बारीक कटा हुआ। अब इसे हम हाई फ्लेम पर भून लेंगे जब तक कि चिकन का पानी सूख जाए। अब हम इसमें ऐड कर लेंगे 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 से 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई। इन सबको अच्छे से मिक्स करके स्लो फ्लेम पर 4 से 5 मिनट तक ढककर इसे पकने देंगे। 5 मिनट हो चुके हैं और फिलिंग अच्छे से रेडी हो चुकी है। अब हम इसे कोथमीर से गार्निश कर लेते हैं। अब हम फिलिंग को साइड में कर लेते हैं और मोमोज की तैयारी शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है 1/2 कप आटा, 1/2 कप मैदा, आप चाहे तो 1 कप मैदा यूज़ कर सकते हो। नमक ऐड कर लिया है स्वाद अनुसार और इसे नॉर्मल आटे की तरह ही गूंदेंगे। बस इतना होना चाहिए कि ये वाला आटा थोड़ा सा स्टिफ होना चाहिए, तो हम तेल ऐड करके 5 मिनट तक इसे गूंदते रहेंगे और फिर 15 मिनट इसे रेस्ट करने देंगे। अब हम इसके छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे और रोटियों की तरह ही पतला बेल लेंगे और फिर हम इसमें मोमोज फिलिंग ऐड कर लेंगे। मैंने 1 में 1.5 चम्मच फिलिंग ऐड कर लिया है और इस तरीके से रैप करना है। रैपिंग बहुत ही सिंपल है, आप देख सकते हो। उसके बाद इसे थोड़ा सा ट्विस्ट करना है इस तरीके से। इसी तरीके से सारे मोमोज रेडी कर लिए। अब इसे 10 मिनट तक स्टीम कर लेंगे। जब तक ये स्टीम हो रहा है, हम मोमो डिप रेडी कर लेते हैं। मोमो चटनी बनाने के लिए मैंने लिए है 2 बड़े टमाटर और उसमें ऐड किया है 4 से 5 लहसुन की कलियाँ, 3 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आप चाहे तो लाल अखी मिर्च को भिगोकर यूज़ कर सकते हैं, वो ज़्यादा स्पाइसी होता है। और उसमें ऐड किया है नमक स्वाद अनुसार और 1 चम्मच जीरा। इसे मिक्सी में बारीक पीस लेंगे और इसे एक डेगची में मैंने निकाल कर 3 से 4 मिनट तक बॉयल होने दिया है ताकि जो एक्स्ट्रा पानी है वो सूख जाए। मोमो चटनी बनाने के लिए ये रेसिपी बहुत ही क्विक है। आपको जब भी इंस्टेंटली मोमोज बनाने होंगे तो ये वाली रेसिपी आप ट्राई कर सकते हो। चटनी अच्छे से बॉईल हो चुकी है तो मैंने फ्लेम ऑफ कर लिया और इसमें ऐड किया है 1 चम्मच विनेगर और 1 चम्मच ऑलिव ऑयल। तो इस तरीके से जल्दी जल्दी से मोमोज और मोमो चटनी दोनों रेडी हो चुकी है। तो इसे सर्व कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो पर।